कि वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच दिया नामक ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की प्रक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था।